हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए पीजी एंट्रेंस पेपर्स के सीरीज़ का एक और पेपर लेकर आया हूं। दोस्तों ये पेपर होम साइंस का 2020 पेपर है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बताऊं कि अभी तक हमने बहुत सारे पेपर्स डिस्कस किए हैं। ये सारे एंट्रेंस पेपर्स आपको मिल जाएंगे पहले लिस्ट में, जहां पे एंट्रेंस पेपर्स के नाम का लिस्ट है। वहां पर जाइए और वहां पे आपको हर सब्जेक्ट्स का पेपर मिल जाएगा और आगे भी बहुत सारे पेपर्स आने वाले हैं। चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसमें जो भी आंसर की हम डिस्कस करने वाले हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की ऑफिशियल आंसर की रहेगी। तो ये आपको पता है कि इसमें 60 क्वेश्चंस होते हैं और 70 मिनट्स होता है। और एक और बात कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो हम चलते हैं सीधा क्वेश्चंस पर और यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, द ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज़। तो इसका आंसर है डी पार्ट 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, हीट ट्रांसफर्ड थ्रू सॉलिड मटेरियल इज़ कॉल्ड। तो इसका आंसर है ए पार्ट कंडक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, बैलेंस्ड डाइट रिजल्ट्स इन। आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड्स, प्रोवाइडिंग फोटोकेमिकल्स और हेल्पिंग इन कॉपिंग अप स्ट्रेस। उसके बाद 4th क्वेश्चन, डैश इज़ द फैक्टर अफेक्टिंग मील प्लानिंग। तो इसका आंसर है डी पार्ट, यानी ऑल, टाइम एंड एनर्जी, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, बजट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, फ्राम बर्थ टू 1 ईयर द लेंथ ऑफ बेबी इंक्रीज फ्राम 50 to 55 सेंटीमीटर टू। उसके बाद डैश है और आपको बताना है कि डैश में क्या आएगा। आंसर है बी 75 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, डेली डाइटरी अलाउंसेज ऑफ आयरन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन इज़। तो इसका आंसर है सी पार्ट, यानी 38 mg/d। उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पर, द प्रोसेस बाय विच ए सीड स्प्राउट्स एंड द एम्ब्रियो बिगिनस टू ग्रो इज़ कॉल्ड। इसका आंसर है ए पार्ट जर्मिनेशन। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है, डैश इज़ ए कलेक्शन ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। तो इसका आंसर है सी पार्ट टिश्यू। उसके बाद 9th क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डैश मैट इज़ ए हीटेड रबर मैट कैफ विच इज़ यूज्ड इन गार्डनिंग। इसका आंसर है ए पार्ट सीड प्रोपगेशन मैट। 10th क्वेश्चन, डैश इज़ अ ग्रुप ऑफ ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। तो इसका आंसर है बी पार्ट क्लोरोफिल। 11th क्वेश्चन, सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। आंसर है इसका ए पार्ट रॉबर्ट हुक। 12th क्वेश्चन, डैश इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट्स। तो इसका आंसर है डी पार्ट ऑल ऑफ द अबव। तो इनको आप रीड कीजिए। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर, बैसिलरी, आंसर है इसका ए पार्ट। उसके बाद चलेंगे हम 14 पर, कैरियर्स ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स आर कॉल्ड। आंसर है इसका सी पार्ट जीनस। 15 क्वेश्चन, फॉलोइंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इसका आंसर है ए पार्ट एनर्जी। उसके बाद 16 क्वेश्चन, ए टेंटेटिव एस्टिमेट ऑफ ए फैमिलीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर ओवर ए पीरियड इज़। तो इसका आंसर है बी पार्ट बजटिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, डैश इज़ द फैक्टर दैट अफेक्ट्स द एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली। तो आंसर है डी पार्ट ऑल ऑफ द अबव, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, रिसोर्सेज, स्टेटस ऑफ फैमिली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, इन इवैल्यूएटिंग एन इन्वेस्टमेंट ए फैमिली शुड कंसीडर। इसका आंसर है डी पार्ट ऑल ऑफ द अबव, द सेफ्टी ऑफ द प्रिंसिपल, द इनकम यील्ड, एंटिसिपेटेड ग्रोथ। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19, the measure of the amount of money earned per person in nation or geographic region is। तो इसका आंसर है बी पार्ट पर कैपिटा इनकम। उसके बाद 20 क्वेश्चन, a person who uses good and services is called। तो इसका आंसर है ए पार्ट कंज्यूमर। 21 क्वेश्चन, in 1986 parliament of India passed an act for the protection of consumers which is called। इसका आंसर है ए पार्ट कोपरा। 22 question. The industrialized mark used for industrial products is, तो इसका आंसर है सी पार्ट ISI. 23rd question, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स, तो इसका आंसर है ए पार्ट कम्युनिकेशन विद हिमसेल्फ टू डेवलप यूजफुल आइडियाज, इसको इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं. उसके बाद 24 क्वेश्चन, डायडिक कम्युनिकेशन इज, तो इसका आंसर है बी पार्ट, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को डायडिक कम्युनिकेशन भी कहा जाता है. उसके बाद चलेंगे हम 25 क्वेश्चन पर, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज अप्लाइड, तो इसका आंसर है सी पार्ट बोथ ए एंड बी, ए इज वर्बल कम्युनिकेशन, बी इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. मास कम्युनिकेशन हेल्प अस इन, तो इसका आंसर है डी पार्ट, यानी ऑल ऑफ द अबव, स्प्रेड ऑफ नॉलेज, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट. उसके बाद 27 क्वेश्चन, द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट कैन बी हर्ड एंड एड्रेस्ड इज, इसका आंसर है बी पार्ट, पब्लिक कम्युनिकेशन. 28, which of the following is said to be an organizational climatic barrier, तो इसका आंसर है ए पार्ट, fear of exposing oneself to criticism. 29 question, the main function of FM station in radio is, इसका आंसर है ए पार्ट, information, entertainment and interaction. 30 question, cinema is an, तो इसका आंसर है डी पार्ट, ऑडियो विजुअल मीडिया. 31 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कौन सा इनमें से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, गेस्चर, यानी ए पार्ट इसका सही आंसर है. तो हम चलेंगे 32 क्वेश्चन पर, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन रनज थ्रू, इसका आंसर है डी पार्ट, ऑल ऑफ द अबव, सेंडर रिसीवर ए चैनल. उसके बाद 33 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो इसका आंसर है डी पार्ट, ऑल ऑफ द अबव, इन अटेंशन, बैडली एक्सप्रेसड मैसेज, नॉइज, ये सारा बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन में आता है. और उसके बाद 34 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्निकल प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन, तो आंसर है बी नॉइज. 35, the philosophical concept of extension, helping people to help themselves, is given by, इसका आंसर है ए पार्ट. उसके बाद 36 क्वेश्चन, the transparency to be projected on a large size overhead projector screen should be of, आंसर है बी पार्ट, 10 by 10 inches. 37, dish is a sample which contains a series of ideas, तो इसका आंसर है सी पार्ट, चार्ट. उसके बाद 38, which of the following was the first newspaper of India, इसका आंसर है डी पार्ट, बंगाल गैजेट. 39 question, as per ICMR 2010, RDA of energy for a heavy worker woman is, तो इसका आंसर है ए, 2850. उसके बाद 40 क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कॉमनली फाउंड इन डाइटरी प्रोटीन्स आर, इसका आंसर है डी पार्ट, 22. उसके बाद 41 क्वेश्चन, अ प्रोलॉन्ग्ड डेफिशिएंसी ऑफ नायासिन लीड्स टू अ डिजीज कॉल्ड, सी पार्ट. उसके बाद 42 क्वेश्चन, डैश इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड नॉर्मल स्केलेटल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, तो इसका आंसर है ए पार्ट, विटामिन ए. 43 क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द मोस्ट हीट मेथड्स ऑफ कुकिंग, तो आंसर है इसका ए पार्ट, ब्रेजिंग एंड स्टीमिंग. 44 पर चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनर्जी गिविंग फूड, इसका आंसर है सी पार्ट, कार्बोहाइड्रेट्स. 45 क्वेश्चन, मैक्सिमम न्यूट्रेंट लॉसेज ओकर ड्यू टू, आंसर है डी पार्ट, फ्राइंग. 46, सेटिंग मिल्क इनटू कर्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लैक्टोबैसिलस इज, आंसर है डी पार्ट, फर्मेंटेशन. 47 क्वेश्चन, Dash is an organized pattern of physical growth and motor control that proceeds from head to tail. इसका आंसर है बी पार्ट, cephalocaudal sequence. 48. A deficiency of the hormone produced by pituitary gland leads to a part. उसके बाद 49 question. A genetically determined and naturally unfolding course of growth is, इसका आंसर है A part maturation. 50 पर चलेंगे. A white cheese like substance covering the fetus and preventing the skin from chapping is, इसका आंसर है A part vernix. 51 question. Middle childhood extends from the age of B part 6 years. 52 question. This is a progressive brain disorder that produces loss of memory and confusion in old age. Answer है B part. 53 question. An infant can grasp and hold things by A part 5 months. 54. Watching television by children is B part amusement. 55. A solvent which is not capable of dissolving any more solute at a given temperature is called, इसका आंसर है C part saturated solution. 56 पर चलेंगे. A mixture in which one substance of microscopically dispersed insoluble or soluble particles is suspended throughout another substance is called A part colloid. 57 question. Which of the following is liquid emulsion? Answer है D part milk. 58 question. इसका आंसर है C part antiseptic. उसके बाद 59 question. 1 degree Celsius is equal to dash Fahrenheit. Answer है B part 33.8. 60 और last question. As per Newton's law of motion, answer है A part more the force more the acceleration. दोस्तों ये था होम साइंस 2020 का पेपर. आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही. थैंक यू.